नमस्कार। इंग्लैंड का दौरा खत्म हो गया और सीरीज का जो स्कोर रहा वो रहा 1-4, यानी कि भारत ने 4 टेस्ट मैच इस सीरीज में गंवाया। आखिरी टेस्ट मैच में तो रोमांच की सारी हदें जो थी वो पार हो गई थी और एक पल ऐसा लग रहा था जब लोकेश राहुल ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे कि क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली टीम मैनेजमेंट भी यही सोच रहा था, लेकिन भारत ने टेस्ट मैच गंवा दिया। इस सीरीज से विराट कोहली ने क्या सीख ली, टीम इंडिया इस सीरीज से क्या सबक लेगा, क्योंकि अगला जो विदेश का दौरा होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया का, जहां 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। तो यहां की गलतियों से सबक लेते हुए विराट कोहली वहां कैसा वार करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह के साथ। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं वो लम्हा, वो पल जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और उनसे सवाल पूछा गया कि आपके कोच कहते हैं कि 15 सालों की सबसे बेहतरीन टीम है ये टीम इंडिया। विराट कोहली से सवाल पूछा तो विराट कोहली बिफर पड़े और उन्होंने खुद रिपोर्टर पर ही सवालों के जो सवाल थे वो दागने शुरू कर दिए। किस तरीके से विराट कोहली भड़क गए रिपोर्टर्स के कुछ सवालों पर वो आपको दिखाते हैं। एक लंबा अरसा हो चुका है विराट कोहली को भारत का कप्तान बने हुए, और खास बात यह कि अंडर 19 के डेज में भी वो भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे, फिर वाइस कैप्टन रहे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का, उसको हैंडल करने का काफी एक्सपीरियंस है विराट कोहली के पास। लेकिन मनी सर, ये भी एक आर्ट है कि आपको कैसे जवाब देना है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मर्जी के मुताबिक सवाल पूछे जाए। कई बार मैदान में बाउंसर आती है, कई बार सवालों के भी बाउंसर आते हैं, हैंडल आपको करना है। देखिए, एक तो आप 4-1 से सीरीज हार रहे हैं, तो आपको आपकी कोई तारीफ करने वाला नहीं है। अगर आप वहाँ आकर बैठे और सोचे कि आपकी तारीफ की जाएगी, वो होने वाला नहीं है। सो आपने बिल्कुल सही कहा, 40 टेस्ट मैच की कैप्टनसी कर चुके हैं, इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, विनम्रता एक चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कोच हैं उनमें भी विनम्रता नहीं है और विराट कोहली भी नहीं हो रहे हैं विनम्र। आप हार गए हैं, आप ये कहिए कि हमने फाइट किया, हमने कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड की टीम बेहतर क्रिकेट खेली, शायद वो पच जाए किसी को। लेकिन अगर आप 4-1 से हारे और आप कहें कि हमारी टीम पिछले 15 सालों में बेस्ट टीम है, ये बेस्ट टीम है इंडियन टीम, ये बात कोई भी नहीं मान सकता। क्योंकि अगर आपकी बेस्ट टीम है तो फिर आप 4-1 से नहीं हारते। एक तो आप पिचेस को ठीक रीड नहीं कर रहे, एक दूसरा आप टीम सिलेक्शंस ठीक नहीं कर रहे। अगर पिचेस को ठीक रीड किया जाता, जो कि शास्त्री वहां पर मौजूद है, मैं हैरान होता हूं, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी कमेंट्री करने के बाद आप पिचेस को ठीक से रीड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप टीम सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप हारे। मुझे लगता है अगर टीम सिलेक्शन सही होती, पिच को ठीक रीड किया होता, ये 4 इंडिया के पास होते और 1 इंग्लैंड के पास होता, तब आप इस तरह की एग्रेशन दिखा सकते। जी बिल्कुल मनीष सर, खासकर आपने रवि शास्त्री की बात की और 1996 में जब भारत श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में मैच हारा था, वहां पे रवि शास्त्री वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि यहां पे अगर टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। अजहरुद्दीन ने वैसा नहीं किया, भारत को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन यहां इंग्लैंड में जहां पे कितनी क्रिकेट रवि शास्त्री ने खेली है, मनीष सर के साथ सीरीज भी जीती है, कमेंट्री भी की है, वहां पे खुद वो पिच को रीड नहीं कर पाए। चलिए इस सीरीज का एनालिसिस करते हैं। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला, विराट कोहली का कहना है कि स्कोर लाइन आपको जरूर 1-4 दिखाए, लेकिन स्कोर लाइन 1-4 नहीं है, भारत को इंग्लैंड ने आउटप्ले नहीं किया इस टेस्ट सीरीज में। देखिए रिपोर्ट। मनीष सर, शायद कई सालों के बाद जो हम इस सीरीज की बात करेंगे, हम लोग भी शायद ये सोचेंगे कि स्कोर लाइन 4-1 दिखा रही है, लेकिन शायद कहानी कुछ और थी। आप क्या मानेंगे, बहुत बेहतरीन मौका मिस किया विराट कोहली एंड टीम ने, यहां पे सीरीज जीत सकते थे भारत? ये सीरीज 4-1 से इंडिया के नाम होनी चाहिए थी, अगर पिचेस को ठीक रीड किया होता, हार्दिक पांड्या के प्रति जो प्यार है उसको कम किया होता और टीम का बैलेंस सही बनाया होता। क्योंकि पहले टेस्ट मैच से हम बात कर रहे हैं, रवीश के रविंद्र जडेजा को खिलाना चाहिए जिस तरह की कंडीशन है, जितनी गर्मी पड़ी है, पिचेस से मदद मिलने वाली है स्पिनर्स को। और हमने देखा है जडेजा और आर अश्विन जब टैंडम में जब इकट्ठे बॉलिंग करते हैं तो कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। पांड्या जिस जो ऑलराउंडर वो समझ रहे हैं, शायद उनको खुद भी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट मैच में उन्होंने पहली इनिंग्स में 5 विकेट ली, अगली इनिंग्स में उनको पहले 80 ओवर में केवल 8 ही ओवर कराए। ऐसे में अगर जडेजा होते तो प्रॉब्ली कुछ नतीजा और हो जाता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है अगर जडेजा जो पहले टेस्ट मैच से खिलाया होता तो 4 इंडिया के नाम होते, 1 ही होता इंग्लैंड के नाम। जी हाँ बिल्कुल मनीष सर, आपने गेंदबाजों की बात की, खासकर पेस बॉलर्स का प्रदर्शन तो जबरदस्त रहा, और हमने हर बार देखा कि पेस बॉलर्स आए, उन्होंने इंग्लैंड की दोनों पारियों को आउट किया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच को अगर छोड़ दें तो, और विराट कोहली का भी यही कहना कि अगर कुछ पॉजिटिव टीम इंडिया यहां से ले सकती है तो शायद वो गेंदबाजों का प्रदर्शन है। हमारे साथ मनीष से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।